अभी तक आपने बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन आपको हम अब ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर एबीपी न्यूज पहुंचा है। नमस्ते दोस्तों, मैं नितिन ठाकुर, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लेके चलेंगे भोपाल के नजदीक ईटखेड़ी गांव के अंदर, जहां पर दादियों की पाठशाला लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं जस्ट मेरे सामने ये ग्राम पंचायत है जहाँ पर दादियों की पाठशाला लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से नवाचार किया गया, भोपाल कलेक्टर ने ये एक नया नवाचार किया है जहाँ पर आप देख सकते हैं दादियों की पाठशाला शुरू हो चुकी है। भोपाल के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर, वहाँ पर इस तरह से दादियों को पढ़ाने के लिए पाठशाला शुरू कर दी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पाठशाला चल रही है। हमारे साथ यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो खुद मौजूद, हम बात करेंगे उनसे। सर, ये किस तरह की पाठशाला चल रही है दादियों की? माननीय कलेक्टर महोदय जिला भोपाल के मार्गदर्शन पर पढ़ना लिखना अभियान और एक नवाचार ही है, और जिसके माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में इसका शुभारंभ किया गया है। और ईटखेड़ी सड़क का महिलाओं और दादियों के द्वारा ये काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, और वो पढ़ने में आगे आ रही हैं। और जिस प्रकार से माननीय कलेक्टर महोदय का यहाँ पर एक पिछड़े हुए व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के जो नवाचार है, उसका हम सभी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सम्मान करते हैं, धन्यवाद। सर, कितनी ग्राम पंचायतों में ये काम चल रहा है आपका पढ़ाने का? ये 466 ग्राम पंचायतों में इसका काम चल रहा है। पूरे भोपाल जिले की जितनी भी ग्राम पंचायतें उनमें बहुत ही ऊर्जा के रूप में अक्षर साथी और सचिव और BRC महोदय इसमें सामने आकर के इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये टीचर थे जिन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं मेरे जस्ट सामने ये पाठशाला चल रही है, दादियों की पाठशाला है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ईटखेड़ी गांव में ये पूरी तरह से बुजुर्ग महिला हैं जो यहाँ पर पढ़ने आती हैं। हमारे साथ मौजूद है अम्मा, कब से आ रही हैं आप पढ़ने यहाँ पर? एक हफ्ता हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पढ़ तो रहे हैं जी, लिख रही, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और ऐसे एड़ी ऐसे औरत भाई, सीख गई आप यहाँ पर? हाँ, अच्छा, वो जाएंगे इस तरह? आएंगे ना अम्मा, आप भी आएंगे? आएंगे, आप भी आएंगे? हाँ। तो आप देख सकते हैं ये अम्मा में किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हम अब जब से किस क्लास में आए तब से हम पढ़ना सीख गए हैं। एबीपी न्यूज के लिए ईटखेड़ी से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।